गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट इन इंग्लिश, आर्कटीज प्रिंसिपल। आर्कटीज प्रिंसिपल मीन्स आर्कटीज का सिद्धांत। इट इज़ रिटन बाय ब्रेंट रेडमिल। ब्रेंट रेडमिल ने आर्कटीज सिद्धांत पर एक कविता लिखी है, पोएम लिखी है, जो कि आर्कटीज ने अपने सिद्धांत को कैसे प्राप्त किया, हाउ ही फाइंड हिज प्रिंसिपल। स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आर फ्रिक्वेंटली टोल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ ओल्ड लाइक Boyle's and Charles, but greatest of these was the principle discovered by Archimedes. भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट, फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली सामान्य रूप से या साधारण रूप से बताते हैं, भौतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वे सामान्य रूप से बताते हैं कि पुराने बहुत बड़े भौतिक शास्त्री अपना प्रयोग या परीक्षण किए हैं, लाइक बॉयल्स एंड चार्ल्स, बट ग्रेटेस्ट ऑफ दिस, लेकिन उनसे भी बहुत बड़े थे जो जिसे हम आर्कटीज के नाम से जानते हैं। वॉज द प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय आर्कटीज, आर्कटीज के द्वारा कौन सा सिद्धांत खोजा गया, उनका क्या सिद्धांत था। द सिलियन किंग आर्कटीज वॉज टोल्ड ऑर्डर्ड ए क्राउन फ्रॉम ए लार्ज लंप ऑफ गोल्ड एंड थो द वेट ऑफ द गोल्ड वॉज कंप्लीटली करेक्ट द गोल्ड स्मिथ आइड मेड द किंग सस्पेक्ट। द सिलियन किंग में सिलिस एक देश का नाम है, सिलिस का राजा आर्कटीज को बताया, आर्कटीज को आदेश दिया कि वो एक सोने से बने हुए मुकुट को लेकर आए, क्राउन मीन्स मुकुट को लेकर आए, एंड थो द वेट ऑफ गोल्ड वॉज कंप्लीटली करेक्ट, और यद्यपि उस सोने का वेट मीन्स वजन कम्प्लीटली पूरी तरह से सही था, यद्यपि सोने के का वजन पूरी तरह से सही था, द गोल्ड स्मिथ आइट मेड द किंग सस्पेक्ट, जबकि गोल्ड स्मिथ ने सुनार की आंखों से राजा को संसिद्ध किया था, सस्पेक्ट में संदेह में डाला था, दैट ही हैड मेड अप द वेट विथ सम चीपर मेटल, जिससे कि जो सुनार था वो चीपर मेटल उस सोने के मुकुट में कुछ सस्ते धातुओं को डाल करके उसका वजन बनाया था, एंड स्टोलन सब गोल्ड, और कुछ सोनों को वो सोने को चुरा लिया था, स्टोलन मतलब चुराना, दैट हिज डेब्ट ही माइट सेटल, जिससे कि वह अपने कर्जे को व्यवस्थित कर सके, जो वह राजा से कर्ज लिया था उस जिससे वह अपने कर्जे को व्यवस्थित कर सके, हिज प्रॉब्लम वॉज देन ऑफ आउटस्टैंडिंग इमेंसिटी। आउटस्टैंडिंग मीन्स असाधारण रूप से, इमेंसिटी मतलब विशाल, बहुत बड़ा, उसकी समस्या असाधारण रूप से बहुत बड़ी थी, एज ही हैड नो आइडिया, उसका जैसे कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, व्हाट सो एवर ऑफ डेंसिटी, घनत्व का क्या महत्व होता है, डेंसिटी मीन्स घनत्व, घनत्व का क्या महत्व होता है, क्लाइंबिंग इन टू ए बाथ ही रिसीव्ड ए सरप्राइज, आर्कटीज जो था वो नहाने के लिए चला गया और अचानक ही वह एक आश्चर्यजनक चीज प्राप्त किया, When he noticed the water beginning to rise, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जब वह पानी के
वाणी प्रारंभ हुआ, वाणी में वो गया तो कुछ चीजें उसे आगे भेजे, आगे ढकेले। ही सडनली स्नैप, वह अचानक से पानी से ऊपर उठा, या स्नैप मीन्स ढकेलना, पानी से वह अचानक, पानी उसे अचानक से ढकेला। एंड लेट आउट ए स्क्रीम, और वह चिल्लाते हुए बाहर आया। ही सडनली एज ही रियलाइज्ड विथ जॉय, और उसने वास्तविक रूप से उसे खुशी मिली। ही लॉन्ग विश्ड फॉर ड्रीम, और वह अपनी लंबी इच्छा के साथ स्वप्न में चला गया। कौन गया था? आर्कटिक। ही फाउंड द अपथ्रस्ट, वह उत्प्लावक का नियम प्राप्त किया। उत्प्लावक बल मतलब होता है जो वस्तु द्रव या पानी के बल के द्वारा डाल, द्रव या पानी, द्रव या गैस में जो चीज़ें डाली जाती हैं उस, वो द्रव या गैस उस चीज़ को अपने भार बल के द्वारा ऊपर फेंक देती है। प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी वेव्स, जो कि उसके शरीर के आधार पर उत्पन्न हुआ था, उसने उत्प्लावक बल को प्राप्त किया। टू वी इक्वल इन वेट टू द वाटर डिस्प्लेस्ड, इस प्रकार से उस वाटर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित पानी, विस्थापित पानी से वजन में बराबर होता है। विस्थापित पानी होने के बाद भी वजन बराबर होता है। As soon volumes and weight would make it quite plain. And soon, और शीघ्रता से, soon means शीघ्रता से, volume means आयतन, weight means वजन, और शीघ्रता से वह अपने स्थान को एक योजना के द्वारा, वजन और आयतन के द्वारा वह छोड़ दिया जाता है। What various metal the crown could contain, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की धातुओं से मुकुट को बनाया जा सकता है, मिलकर बन सकता है। एंड सो ही कुड इजिली शो टू हिज रियलिटी, और वह ही इजिली शो हिज रियल रॉयल्टी, वह अपने विशेषता को, मुकुट अपनी विशेषता को आसानी से प्राप्त कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। द एब्सोल्यूट प्रूफ टू द गोल्ड स्मिथ डिसलॉयल्टी, एब्सोल्यूट प्रूफ मीन्स होता है पूर्ण रूप से साबित होना, ऑफ गोल्ड स्मिथ सुनार की डिसलॉयल्टी, धोखेबाजी या बेईमानी। इस प्रकार पूर्ण रूप से सुनार की धोखेबाजी और बेईमानी साबित हुई। लीपिंग आउट ऑफ द बाथ एंड रिमार्केबल रेट, इस तब आर्कटिक पानी नहाते हुए उछल कर बाहर आए। ही मेड फॉर द प्लेस बाय डोरवे एंड गेट, और वह एक स्थान अपने फाटक और दरवाजे से बाहर निकले। बट द मैन इन द स्ट्रीट वेयर कम्प्लीटली कन्फाउंडेड, लेकिन जो गली के लोग थे वो पूरी तरह से अचंभित हो गए, चौंक गए, भौचक्के रह गए। कन्फाउंडेड मीन्स भौचक्के रहना, अचंभित रहना, चौंकना। टू सी ए नेक मैन साउट यूरेका मीन्स आई हैव फाउंड, टू सी उन्होंने देखा कि एक नग्न आदमी चिल्लाते हुए जा रहा है। यूरेका, इट इज ए ग्रीक वर्ड, मीन्स इट मीन्स आई हैव फाउंड, मुझे मिल गया, मुझे आई हैव फाउंड मीन्स मुझे मिल गया। आई नो यू understand what this chapter's meaning.
देन योर होमवर्क इज राइट द यू नो वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किटिक्स आर्किटिक्स का सिद्धांत क्या है आप क्या जानते हैं. जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है. भार में यह आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है. इसे ही हम आर्किटिक्स सिद्धांत के नाम से जानते हैं. जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है. भार में यह आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है. इसे ही हम आर्किटिक्स सिद्धांत के नाम से जानते हैं. देन योर होमवर्क ऑल स्टूडेंट होमवर्क इज राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्किटिक्स राइट द एंड राइट एंड लर्न द difficult word meaning of chapter 1 in English.